mini setting, today I will discuss what classical theory of development, जिसमें सबसे पहले हम एडम स्मिथ की थ्योरी के बारे में बात करेंगे। अब एडम स्मिथ अपनी डेवलपमेंट थ्योरी में सबसे ज्यादा फोकस करते हैं कैपिटल एक्युमुलेशन और डिवीजन ऑफ लेबर पे। सबसे ज्यादा किस पे फोकस करते हैं? कैपिटल एक्युमुलेशन और डिवीजन ऑफ लेबर पर। अब ये कैपिटल एक्युमुलेशन क्या है? कैपिटल एक्युमुलेशन की सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो कैपिटल को इकट्ठा करना, पैसों को जोड़ना, इट्स कॉल्ड कैपिटल एक्युमुलेशन। अब कैपिटल को आप एक्युमुलेट कैसे कर सकते हो, कैपिटल को आप कैसे जोड़ सकते हो? कैपिटल को जोड़ने के लिए, पैसों को इकट्ठा करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? सेविंग करनी पड़ेगी। ओके, कैपिटल एक्युमुलेशन का मतलब क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा कैपिटल को एक्युमुलेट करना, ज्यादा से ज्यादा कैपिटल को जोड़ना, ताकि आप उस कैपिटल को फर्दर इन्वेस्ट कर सको। और कैपिटल को एक्युमुलेट करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? सेविंग करनी पड़ेगी। ओके, ये पहला कॉन्सेप्ट है जिस पे एडम स्मिथ ने अपनी थ्योरी में सबसे ज्यादा जोर दिया, कैपिटल एक्युमुलेशन। कैपिटल को एक्युमुलेट करो, कैपिटल को ज्यादा जोड़ो, पैसों को ज्यादा ज्यादा बचाओ, कंजम्पशन को कम से कम करो और सेविंग को ज्यादा ज्यादा करो, ताकि उस जो कैपिटल को हमने एक्युमुलेट किया, कैपिटल को जोड़ा, उसे इन्वेस्ट करो। और हमें पता है इन्वेस्टमेंट कैसे हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ ले जा सकता है। ओके, तो पहला कॉन्सेप्ट जिस पे एडम स्मिथ जोर देते हैं वो क्या? कैपिटल एक्युमुलेशन। सेकंड बात जिसके बारे में एडम स्मिथ बोलते हैं वो क्या? डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर। ओके, अब यहाँ पे क्या था, कैपिटल एक्युमुलेशन की बात करें तो कैपिटल को सबसे ज्यादा सेव कौन करता है? जो लेबर ओनर है या फिर जो लैंड ओनर है, वो एडम स्मिथ मानते हैं कि वो ज्यादा ज्यादा अपनी इनकम को खर्च कर देते हैं, कंज्यूम कर देते हैं। लेकिन जो कैपिटलिस्टिक होते हैं ना, वो क्या करते हैं? ज्यादा ज्यादा कैपिटल का एक्युमुलेट करते हैं, ज्यादा ज्यादा कैपिटल को जोड़ के रखते हैं, ताकि वो उस कैपिटल को फर्दर इन्वेस्ट कर सके। ओके, तो ये बात थी कैपिटल एक्युमुलेशन की। अब उन्होंने कहा है डिवीजन ऑफ लेबर की। वो कहते हैं कि आप लेबर जो है इकोनॉमिक ग्रोथ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए आपको अगर आपने इकोनॉमी को ग्रो करना है तो आपको लेबर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। अब आप लेबर की प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हो? लेबर का प्रॉपर डिवीजन करके, लेबर को प्रॉपर डिवाइड करके। अब आप लेबर को प्रॉपर डिवाइड कैसे कर सकते हो? लेबर को उसकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग वर्क देके। एक इंडस्ट्री में बहुत सारे काम होते हैं, रिसर्च का काम, मार्केटिंग का काम, एचआर का काम, सेल का काम, बहुत सारे वर्क होते हैं। आपको क्या करना है? अपनी लेबर को उन काम को ऐसे डिवाइड करना ताकि हर एक इम्प्लॉइज के पास, हर एक लेबर के पास उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग वर्क आए। जिसको रिसर्च का काम आता है उसको रिसर्च का काम, जिसको मार्केटिंग का काम आता है उसको मार्केटिंग का, जिसको एचआर का काम आता है उसको एचआर का। मीन्स आपने लेबर को उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है। लंबे टाइम तक अगर एक ही काम को वो बार बार रिपीट करते रहेंगे तो उनमें क्या आ जाएगी? उनकी एक्सपर्टीज आ जाएगी, उस काम को करने में वो माहिर हो जाएंगे। फिर उन्हें उस काम करने के लिए ज्यादा सोचना समझना नहीं पड़ेगा, वो काम उनसे अपने आप ही होएगा, क्योंकि उस काम में वो एक्सपर्ट हो जाएंगे, उस काम में वो माहिर हो जाएंगे, क्योंकि वो अपनी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उस काम को परफॉर्म करें। वो एक लंबे टाइम तक एक ही काम को परफॉर्म कर रहे हैं, धीरे धीरे क्या होगा, उस काम की उनमें एक्सपर्टीज आ जाएगी। और एक्सपर्टीज ऑब्वियसली अगर आप में काम की एक्सपर्टीज ही आ गई तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। अगर लेबर की आपने प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ में आपकी बहुत ही हेल्प करेगी। ठीक है, सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट के डिवीजन ऑफ लेबर, पहला क्या है? कैपिटल एक्युमुलेटर, कैपिटल को ज्यादा से ज्यादा सेव किया जाए ताकि हम इन्वेस्टमेंट कर सके। सेकंड क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए उनको प्रॉपर डिवाइड करके। अब हम बात कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड स्टेशनरी स्टेज। अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड स्टेशनरी स्टेट। अब ये प्रोसेस ऑफ ग्रोथ क्या है और स्टेशनरी स्टेट क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जैसे ही इकोनॉमी में कैपिटल का एक्युमुलेशन बढ़ रहा है, CA रिप्रेजेंट कैपिटल एक्युमुलेशन। जैसे कैपिटल का एक्युमुलेशन बढ़ रहा है तो हमारी इकोनॉमी में क्या? इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है क्या हो रहा है? इनकम बढ़ रही है। इन्वेस्टमेंट बढ़ने से लोगों को रोजगार मिल रहा है, प्रोडक्शन इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे काम करने के लिए इम्प्लॉयज तो चाहिए ना। इम्प्लॉयज बढ़ रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, इनकम बढ़ रही है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। ये क्या सारे डेवलपमेंट के इंडिकेटर है, ये सारे क्या राइजिंग ट्रेंड में है। इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, सब कुछ क्या है? राइजिंग ट्रेंड में, हम ग्रोइंग स्टेट में है। ये डेवलपमेंट के सारे
इंडिकेटर क्या है, वो राइजिंग स्टेट में जा रहे हैं। लेकिन एक लेवल के बाद आके ये डेवलपमेंट के जितने भी इंडिकेटर हैं वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, वो कॉन्स्टेंट हो जाते हैं, वो बढ़ना बंद हो जाते हैं। ग्रोथ में क्या है, ये सारे डेवलपमेंट के इंडिकेटर राइजिंग ट्रेंड में है, इनकम बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, सब कुछ क्या राइज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, सब कुछ क्या राइजिंग ट्रेंड पे जा रहा है। लेकिन एक टाइम पीरियड पे आके हमारी ग्रोथ क्या स्टेशनरी स्टेट पे चली जाती है, डेवलपमेंट के सारे इंडिकेटर स्टेबल हो जाते हैं, बढ़ना बंद हो जाते हैं, ठीक है, वो ग्रोथ को कोई रिस्पोंड ही नहीं करते, ठीक है। एक लेवल के बाद आके ये सब कुछ स्टेबल क्यों हो जाता है, इसका भी एक कारण है, क्योंकि क्या होता है, जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, ग्रोथ करने से वेजेस बढ़ रहा है, वेजेस बढ़ने से एडम स्मिथ मानता है कि पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाती है, वेजेस बढ़ते हैं तो पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाती है, और जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो काम मांगने वाले ज्यादा आ जाएंगे, ठीक है, वो कहेगा मुझे भी काम दो, मुझे भी काम दो, काम मांगने वाले आपके पास ज्यादा आ गए, लेबर की सप्लाई बढ़ गई है, ठीक है, जिससे क्या होगा, काम मांगने वालों के बीच में कंपटीशन होगा, और एक और कंपटीशन शुरू हो जाता है बिजनेसमैन के थ्रू, जो इन्वेस्टर होते हैं उनके अमंग भी कंपटीशन शुरू हो जाता है। एक लेवल तक इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है कि इकोनॉमी एक ऐसी स्टेट पर आ जाती है कि आपके वेजेस भी कम होने शुरू हो जाते हैं, प्रॉफिट भी कम होने शुरू हो जाते हैं, और ये कम होते होते स्टेशनरी स्टेट पर पहुंच जाते हैं, कॉन्स्टेंट लेवल पर आ जाते हैं, ठीक है। एडम स्मिथ क्या बोलते हैं, शुरू में तो हमारी इकोनॉमी ग्रो करते हैं, लेकिन एक लेवल के बाद आके हम स्टेशनरी स्टेट पर पहुंच जाते हैं, ओके। अब इसी बात को हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, ओके। यहाँ पे क्या है, ओ एक्स पे आपका टाइम पीरियड आ गया, ओ वाई पे आपका कैपिटल एक्युमुलेशन। अब शुरू में क्या है, आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, उसके बाद आके देखो OT लेवल तक आपकी इकोनॉमी ने ग्रो किया, ठीक है, कैपिटल एक्युमुलेशन बढ़ा, जिससे सेविंग बढ़ी, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, वेजेस बढ़े, लोगों की इनकम बढ़ी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, लेकिन इस लेवल के बाद आके सब कुछ क्या होगा, कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है, हम स्टेशनरी स्टेज पर आ गए हैं, इस पे हम ना तो ये डेवलपमेंट के इंडिकेटर बढ़ रहे हैं ना कम हो रहे हैं, फिक्स्ड हो गए हैं, ओके। तो बेसिकली यही एडम स्मिथ ने अपनी थ्योरी के बारे में बात की, आई थिंक आपको समझ में आ गया, थैंक यू।